एक मौलवी का मैं लैक्चर सुनिया, वार्ड ते खलो के उस 15 मिनट लाए, उस इंज द लैक्चर पेश किया भी जरा वोट न दे सी इंज समझो है ही काफिर। मैं सुन के हैरान हो गया, मैं कि मौलवी आदमी है ते वोट दे फजायल खला बयान करे। अगे तो इस्तंजे वाले फजायल सुन दे आए, हुण ओ पे आखे जेने वोट अमानत है तैनू शर्म नहीं आई? जेड़ी अमानत नू अल्लाह ने लोहे महफूज तो कुरान बना के नाजिल कीता है, जेड़ा रब दी अमानत दा हया नहीं करेंदा, एक बेहयाई ते बेशर्मी आली एक गंदी परची नू तू अमानत नाल मिलाई खलोता, मालूम होता तैथों वड्डा भी बेहया दुनिया ते होर कोई नहीं है। अल्लाह दे कुरान ने जड़ियां पेशन गोईयां फरमाईयां, उठाओ सतवां पारा सूरत अनआम दिया ऐता मैं पढ़िया, तमाम दुनिया के मुहक्किकीन ते मुफस्सरीन ने लिख दिता है कि अल्लाह ने ये दो शिक्का अपनी नाराजगी ते अजाब दिया बयान फरमाईयां कि जब भी जिस कौम दुत्ते भी खुदा दा कहर ते अजाब आता है वो अल्लाह करीम दो सूरत उन्होंने उत्ते पहले सटेदा है, पहले तंगी देता है, जे वत भी रब दे अगे दुआ ना करें माफिया ना मंगे तो फिर अल्लाह उन्होंने वास्ते हर शहर के दरवाजे खोल देता है, जे जे फिर भी रज पुज के भी खोते आर खा पी के वत भी रब नो कंड चा करें दे तो उस वक्त वो कौम तैयार हो जाए, हत्ता यती अल्लाह बे अमरी ही किसे वक्त भी उस कौम दे खुदा दा अजाब आ जाए। रब दा फैसला जरा ला मुबद्दिल लिकलिमाते ही।